नमस्कार, लगातार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ आप बने हुए हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महा कवरेज दिन भर आज आपको दिखा रहा है छत्तीसगढ़ के महासंग्राम की। अब से थोड़ी ही देर बाद मतदान शुरू होने वाला है और लगातार एक बर्ड आई व्यू से तस्वीर दिखाने की कोशिश न्यूज 18 की तरफ से लगातार हो रही है। हमारे सहयोगी आशीष आपको मैजिक वॉल पर दिखाएंगे 2018 के भी आंकड़े और ये भी बताएंगे कि फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है। आशीष, धन्यवाद अवंतिका। और चूंकि आज जो विधानसभा की 20 सीटों पर चुनाव होने हैं, उन सीटों पर क्या आंकड़े रहे हैं ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे मैजिक वॉल पर। देखिए 2013, 18, 14, 2019 और ये सारी जो तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे, वो आंकड़े दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त क्या स्थिति रहेगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और आपको बताते चले कि 3 बजे तक मतदान होगा। जहां पर 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है वहां 3 बजे तक मतदान होगा, बाकी 10 सीटों पर 8 बजे से मतदान शुरू होगा और ये मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। तो जो 7 बजे से वोटिंग होगी, देखा जाए तो अपेक्षाकृत 1 घंटा कम यहां पर समय मिलेगा और अब से कुछ ही क्षणों में ये वोटिंग शुरू हो जाएगी और समय लगभग हो गया है और मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मॉक पोल 6:30 बजे ही कर दिया गया था और अब जो है वो कोशिश जो है वो ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज की होगी। मतदाताओं के हाथ में अब आगे की स्थिति है क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से सभी तैयारियां कर दी गई हैं और आगे की परिस्थितियां कैसी रहेंगी इस पर डिटेल्स अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। 10 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और कुछ सीटों पर आगे 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी। सुरक्षा के व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 10 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। एक बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, आज छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान हो रहा है। बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग की ये 12 और 8 क्रमशः सीटें हैं जिन पर की आज मतदान होना है और वहां की परिस्थितियों को देखते हुए सामान्य, संवेदनशील, अति संवेदनशील 3 कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया गया है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। 7 बज चुके हैं और 7 बजे से जिन 10 सीटों पर वोटिंग होनी थी वहां प्रक्रिया शुरू हो गई है और क्या परसेंटेज रहेगा आगे, किस तरह की चुनौतियां रहेंगी, कितने परसेंटेज में मतदाताओं में क्या उत्साह है, किस तरह की जागरूकता है और क्या मुद्दे लेकर वो वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे, ये सारा जो अपडेट है, सारी जो तस्वीरें हैं, ताज़ा तस्वीरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। कुछ जो बड़े चेहरे हैं वो भी अपना मतदान करने के लिए पहुंचने लगे। मोहन मरकाम की हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे जो कि अपना कोंडा गांव, अपनी जो बूथ है उनके, जहां बतौर मतदाता उनका वोटर लिस्ट में नाम है, अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं। सुबह 7 बजे से पहले ही वे मतदान केंद्र पर पहुंच गए थे अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें ज्यादा अपेक्षाकृत ज्यादा जागरूकता देखने को मिलती है शहरी क्षेत्रों के मुकाबले। जो शहरी वोटर्स होता है वो अमूमन अपने सारे काम निपटाकर आराम से सो के उठ के आते हैं, आराम से वोट डालते हैं, जबकि जो ग्रामीण मतदाता है वो सबसे पहले आकर अपना वोट कास्ट करता है और उसके बाद जाकर अपने बाकी काम शुरू करता है। तो पहले मतदान फिर जलपान वाली जो नीति है या जो ये एक आइडियल एक सिचुएशन है, एक आदर्श स्थिति है, वो बनाकर रखना चाहते हैं ग्रामीण मतदाता। अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता होती है या फिर वो इसे अपनी जो अपनी कर्तव्य परायणता है उसे दिखाकर, क्योंकि वोट करना उनका न सिर्फ अधिकार है बल्कि उनका कर्तव्य भी है, ये अधिकार और कर्तव्य की जो समझ है ग्रामीण मतदाताओं में अपेक्षाकृत क्या अधिक होती है ये भी एक समझने का विषय होगा। नारायणपुर में केदार कश्यप ने अपना वोट डाला है। इस बीच एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं जहां कांग्रेस के चंदन कश्यप से उनकी टक्कर है और बतौर उम्मीदवार भी इस बार मैदान में है। नारायणपुर से केदार कश्यप ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और कांग्रेस के चंदन कश्यप से उनकी सीधी टक्कर है इस बार और चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने नारायणपुर में केदार कश्यप पहुंचे थे और यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया। तो छत्तीसगढ़ का यह रण लगातार अब और दिलचस्प होता हुआ चूंकि वोट की मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और जो 7 बजे से वोट वाली विधानसभा की सीटें और बूथ है, ये देखिए केदार कश्यप पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तस्वीरें इस अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। केदार कश्यप जो है अपना ये मोहन मरकाम आए, क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। दे रहा हूं, कोशिश करता हूं कि वोट हम जनप्रतिनिधियों को चुने और इस महापर्व में हम सब वोट देना चाहिए। या वोट देने से पहले आप किस तरीके की तैयारी की, क्या मंदिर में पूजा अर्चना करके यहां पर? नहीं नहीं, देखिए मैं सुबह सुबह जल्दी उठता हूं, तैयार होकर आधा घंटे पहले ही मैं वोट देने लाइन में लग जाता हूँ और मैंने
अपना पहला मताधिकार का उपयोग किया है। अभी आएंगे, सब तैयार हो रहे हैं। जी पहला पहले प्रत्याशी वोट जी जी पहला वोट क्या उम्मीद रखते हैं? क्या देखिए, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार इन 5 सालों में जनता की अपेक्षाओं उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है जनता का जनादेश फिर से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, इस बार टक्कर दिख रही कि नहीं? माकड़ी वाले दमाद, लता दीदी सब है टक्कर में। देखिए, हर कोई कहता है कि हम टक्कर में हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि कोई टक्कर में है। हम लोग जीतेंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। बताइए क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं से? पूरे मतदाताओं से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि चुने और लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लें और अपने क्षेत्र के विकास के प्रति सजग रहें। जो अच्छा काम किया उसको वोट करें। देखिए, मतदाता काफी तैयार है और पहला मत का प्रयोग किया है और उनका कहना है पहला प्रत्याशी पहला हर साल वो अपना वोट देते हैं। जितना है उतना दो जल्दी से। ये समझिए कि केदार कश्यप ने भी कहा कि आप पहुंचे तो हम भी आ गए, और केदार कश्यप की तरफ से भी देखिए मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी दौरान की जब केदार कश्यप मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र में पहुंचे थे। और अवंतिका, ये वो स्याही उंगली पर लगी, ये वो स्याही है जो ये एहसास कराती है जिम्मेदारी का, ये वो स्याही है जो ये बताती है कि ये लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और कुछ तथ्य जो बीते कुछ सालों में सामने आया उसे देखते हुए अगर कहा जाए कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र भी है तो गलत नहीं होगा। केदार कश्यप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जो वोटिंग बॉक्स है उसके पीछे जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो अधिकार है जो कि संविधान ने भारत के हर एक नागरिक को दिया है। क्या अमीर क्या गरीब, क्या पढ़ा लिखा और क्या अनपढ़, और क्या बुजुर्ग क्या महिलाएं, ये वो सभी बैरियर्स को तोड़ता है, सभी उन ऊंच नीच और भेदभावों को मिटाता है। संविधान यह अधिकार हर भारतीय को देता है कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे और वोट डालकर यह तय करे कि उसके क्षेत्र का विकास, उसके बच्चों का भविष्य, उसका खुद का भविष्य वो किसके हाथों में सौंपना चाहता है। पोलिंग बूथ पर पहुंचे केदार कश्यप अपने वोट का इस्तेमाल करके और अब बाहर आएंगे और क्या कुछ वो मीडिया से कहते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। चूंकि अवंतिका, जिस तरह से अभी हम देख रहे थे, मोहन मरकाम ने लोगों से अपील की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलें और जिन कैंडिडेट को वो चुनना चाहते हैं, जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने विकास किया है, वो चुनकर उन्हें भेजे। और केदार कश्यप वोट डालकर बाहर आए, देखिए अंगुली पर लगा वो नीली स्याही का निशान दिखा रहे हैं। और ये जो एक खूबसूरत तस्वीर है लोकतंत्र की, जो एक उत्सव का जो यहाँ पर माहौल बना है, वो उत्सव में हिस्सा लेते हुए केदार कश्यप क्या कुछ पर बस्तर मना रहा है, किन मुद्दों के साथ मना रहा है और क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पूरे प्रदेश के लगभग 20 विधानसभा में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और लगातार सुबह से ये संख्या जो आई हुई है वो इस बात को साबित करता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को यहाँ से हटाएं और विकास की गंगा बहाएं। जिस उद्देश्य के साथ में छत्तीसगढ़ को बनाया गया था उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। कांग्रेस ने लगातार भ्रष्टाचार के एक नए आयाम स्थापित किए हैं। जिन योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने क्रियान्वित किया था, चाहे प्रधानमंत्री आवास की हो, चाहे वो यहाँ पर स्थानीय रोजगार की बात हो या फिर अन्य जो अधोसंरचना के निर्माण की बात हो, इन सब बातों को लेकर के कांग्रेस ने जिस तरीके से धोखा दिया पिछले 5 वर्ष में, उस बात को लेकर के कांग्रेस के प्रति लोगों की बहुत नाराजगी है। सुबह से भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं यहाँ पे, मतदान का एक अलग ही उत्साह दिख रहा है। बस्तर में अमूमन थोड़ा कुछ जगह स्थिति गड़बड़ा जाती है, लेकिन इस बार तो देखने को मिल रहा है, उससे क्या लग रहा है? इस बार लोग घर से निकल करके कांग्रेस को हटाना चाहते हैं, और अभी क्योंकि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, लोगों को सारी जानकारी आ जाती है और न्यूज़ के माध्यम से लोगों को तत्काल सूचना प्राप्त हो जाती है। तो कांग्रेस ने जो धोखा दिया है उसको लेकर के लोगों का जो वो है रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और लोग चाहते हैं कि पूरे बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में फिर से शांति व्यवस्था हो, यहाँ के जो विकास की एक नई गाथा लिखी जाए। वोट डालने के लिए क्या अपील करेंगे?
वोट डालने के लिए मैं हमारे पूरे बस्तर से पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के जहाँ जहाँ पर मतदान हो रहे हैं उन सभी से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी देखा और कांग्रेस की सरकार को भी देखा और हमने कोई वादा नहीं किया, बिना वादा के हम लोगों ने अपना विश्वास कायम किया। कांग्रेस तो अभी अपने विश्वास कायम कराने के लिए 60 साल तक जिनका विश्वास कायम नहीं हो पाया वो फिर 5 साल में फिर से विश्वास के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की काम कर रही है। इसलिए मेरे आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए ताकि छत्तीसगढ़ में जो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिन उद्देश्यों के साथ में छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण किया और आज देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो दोनों स्थान पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो निश्चित तौर से विकास की एक नई गंगा बहेगी। चलिए तो ये आप सुन रहे थे केदार कश्यप जी को। ठीक है, हमारे दो संवाददाताओं के पास आपको लिए चलते हैं, आकाश शुक्ला है और राकेश शर्मा है, हमें धीरे धीरे स्थिति हमें समझाएंगे क्या कुछ चल रहा है। भानुप्रतापपुर का सबसे पहले रुख, आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आकाश जरा भानुप्रतापपुर में बताइएगा, क्या मतदान यहाँ पर शुरू हो चुका है? जांच की, उसके बाद मतदान केंद्र में सीधे ले गए। आप देख सकते हैं इधर मतदान किस तरीके से चल रहा है, शुरू हो चुका है, लोग लाइन में लग चुके हैं, उत्साह तो भारी देखने को मिल रहा है। युवा के साथ बुजुर्ग भी जो है वो मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं और लाइन में खड़े हुए हैं। अभी कुछ ही देर पहले मतदान शुरू हुआ, उसके बाद देख सकते हैं आप लाइन में कैसे एक एक करके मतदाता जा रहे हैं और मताधिकार का अपना प्रयोग कर रहे हैं, एक तरीके से जागरूकता उनमें देखी जा रही है। आप भानुप्रतापपुर की बात करें तो यह 61% लोग साक्षर हैं, ऐसे में मतदान भी यहां पर ज्यादा होता है। हम सीधे यहां पर अधिकारी से बात करते हैं, प्रभारी अधिकारी मतदान केंद्र के हैं। सर, मतदान शुरू हो चुका है, व्यवस्था किस तरीके से की गई है, कब तक के मतदान चलेगा? मतदान सुचारू रूप से संचालित करने के लिए व्यवस्था की गई है शासन के द्वारा। आज सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो चुकी है जो निरंतर 3 बजे तक चलेगा और 3 बजे के बाद जो मतदाता कतार में रहेंगे उसको हम एक पर्ची के माध्यम से देर शाम रात तक भी पूरी मतदान कराने की व्यवस्था की गई है, वो पूरा करेंगे। अच्छा, अगर ज़्यादा भीड़ रही तो 3 बजे के बाद तक भी जो रहेंगे उनको मतदान करने का मतदान कर सकेंगे सीधे? जी, मतदान करने की पूरी व्यवस्था है, वो देर शाम रात तक भी हो सकती है, उसके लिए हम पर्ची देंगे। आयोग का निर्देश हमें प्राप्त है, यहाँ से हम जितना 100% वोट करना चाहेंगे वो पूरा करके जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर बुजुर्ग भी दिख रहे हैं लाइन में, इधर भी लगे हुए, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है, दिव्यांगों के लिए क्या व्यवस्थाएं आपके केंद्र में की गई है? निर्वाचन आयोग के द्वारा पहले ही 80+ मतदाताओं और जो शिथिलांग है, दिव्यांग है, उनके लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जा चुका है और फिर भी कुछ असहाय लोगों आएंगे उनकी व्यवस्था की गई है। यहाँ के जो रेड क्रॉस के बच्चे हैं वो सहायता करेंगे, वहाँ केंद्र तक पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे। ये अधिकारी थे जिन्होंने व्यवस्था के बारे में बताया, अगर किसी का स्वास्थ्य भी खराब होता है तो उनके लिए स्वास्थ्य उनको सुविधा दिलाई जाएगी। आप देख सकते हैं पीछे जवान किस तरीके से तैनात है, यहाँ पर जांच कर रहे हैं। सबसे पहले गेट के पास मतदाताओं की जांच होती है, उनका पर्चा देखा जाता है। आप देख सकते हैं युवाओं में उत्साह कितना है मतदान को लेकर, यहाँ पे जांच करते हैं, उसके बाद मतदान केंद्र यहाँ पर केंद्र की ओर भेज देते हैं जहाँ पर लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। यहाँ पर 2 केंद्र बने हुए हैं, आप सीधे देख सकते हैं ये कतारबद्ध तरीके से लोग खड़े हुए हैं और इसके बाजू में भी 2 केंद्र है, दोनों में बारी बारी जाकर मतदान कर रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये लोकतंत्र का एक उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। देखिए किस तरीके से सुबह से जो मतदान करने के लिए आए हैं और शांतिपूर्वक यहां पर मतदान हो रहा है, जवान भी सुरक्षा में तैनात हैं। जी बिल्कुल, और ये तारीफ के काबिल भी होता है आकाश के, आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, उन क्षेत्रों में जहां पर नक्सल खतरा सबसे ज्यादा होता है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्थाओं के चाक चौबंद होने का आपको पता नहीं है क्योंकि आप ग्रामीण अंचल से हैं, लेकिन इन घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की तरफ से जो जागरूकता है वो ये स्पष्ट करती है कि पूरे उत्साह के साथ इन कतारों में सुबह 7 बजे से ही लोग शुरू हो चुके हैं मतदान करना, ये बताता है कि जागरूक कितनी है अपने कर्तव्य को लेकर, अपने फर्ज को लेकर। सीधे अब राकेश के पास लिए चलते हैं आपको। राकेश, कहाँ पर आप मौजूद है, मतदान केंद्र कौन सा है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है, जानकारी?
आपको बता दूं कि अभी हम राजनांदगांव की दिग्विजय कॉलेज के मतदान केंद्र में खड़े हैं, जहां सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा और यहां सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 7 लाख जो मतदाता हैं जिले के, वो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। वहीं महत्वपूर्ण चीज़ें ये बताना चाहूंगा कि 121 जो पोलिंग बूथ है वो अति संवेदनशील है नक्सल दृष्टि से, इसके लिए प्रशासनिक सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। लेकिन प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती उन मतदान दल को वहां से निकाल के लाने की होगी। और दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ का जो मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ 237 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 15 जो हैं वो अति संवेदनशील हैं और 200 जो मतदान केंद्र हैं वो संवेदनशील हैं। तो ये कह सकते हैं कि जिले के ज़्यादातर जो मतदान केंद्र है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और जो मोहला मानपुर विधानसभा है वहाँ सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और दोपहर 3 बजे तक चलेगा। निश्चित तौर पर, और राजनीतिक स्तर पर भी ये सीट समझनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि मौजूदा स्थिति जब आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में महज एक राजनांदगांव की सीट ही है, अन्य सीटें तमाम जितनी भी है वो सब कांग्रेसियों के हाथ में है। लेकिन बहुत बड़ी बात कि राजनीतिक तौर पर भी हम ये समझें राकेश से ही कि जितने भी दौरे बीते दिनों हमने देखे कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं के, कितना असर इस क्षेत्र में डाल सकते हैं एक अनुमान अनुसार राकेश, अगर आप बता पाए। जी हाँ, कह सकते हैं कि लगातार जो है भाजपा के जो आला नेता हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुँचे थे। हालांकि उनका वह मंदिर दौरा था, मंदिर और चंद्रगिरी आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर दिखता है। और जो चुनाव के जो अंतिम जो प्रचार प्रसार होता है, उस शाम को योगी आदित्यनाथ ने यहाँ रोड शो किया था और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यहाँ चुनावी मैदान पे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सीट हाई प्रोफाइल सीट है और पूरी प्रदेश की नज़रें इस सीट पर हैं। वहीं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके करीबी कहे जाने वाले गिरीश देवांगन को यहाँ मैदान से उतारा है, तो दोनों के बीच यहाँ सीधी टक्कर है, हाई प्रोफाइल सीट है और पूरे प्रदेश की नजरें यहाँ बनी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और चूंकि मतदान को लेकर लगातार जानकारी सामने आ रही है, राकेश बनी रहेगा हमारे साथ, आकाश भी कुछ तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि जहां पर वो मौजूद है मुझे लगता है कि 3 क्रमबद्ध लाइनें हम देख पा रहे हैं और 3 ऐसे सेंटर्स जहां पर मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदाता भी नजर आते हैं। आकाश, क्या कुछ हालात? हेलो हेलो मंच जी जी आकाश जी जी, किस तरीके से लोग कतारबद्ध तरीके से यहाँ पीछे में खड़े हुए हैं आप सीधे देख सकते हैं। युवाओं में उत्साह दिख रहा है, बुजुर्ग भी आ रहे हैं भारी संख्या में, उत्साह दिख रहा है। जवान किस तरीके से मुस्तैदी के साथ खड़े हुए, हम अपने कैमरामैन को कहेंगे जरा वो उधर दिखाएं कि किस तरीके से जवान क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर सुरक्षा में तैनात है। कहा जाता है संवेदनशील जो केंद्र है उसमें ये मतदान केंद्र आता है भानु प्रतापपुर का, ऐसे में जवान सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर भी नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले वो चेक कर रहे हैं कि कहाँ से हैं मतदाता, मतदाता पत्र की जांच कर रहे हैं। उससे पहले वहाँ पर जो अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई वो बताते हैं कि किस तरीके से मतदान करना है, इसके बाद अंदर भेजा जाता है। आप देखिए उधर सुरक्षा के जवान भी किस तरीके से क्षेत्र का एक नज़र रखे हुए हैं कि किसी तरीके से कुछ अव्यवस्था ना बिगड़े, ऐसे में उनकी भी नज़र पूरी है। आप एक एक करके मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं और सीधे अपने केंद्रों तक जा रहे हैं। अधिकारी भी अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि मतदाताओं को बताए और उनको किस तरीके से मतदान करना है ये बताए। ऐसे में व्यवस्था पूरी नजर आ रही है, उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी प्यारी तस्वीर है जो मतदाताओं के बीच से निकल कर आ रही है, आप सीधे देख सकते हैं किस तरीके से शांतिपूर्वक जो है मतदान किया जा रहा है। अभी हमारे साथ बुजुर्ग है जो मतदान करके आए। सर आप मतदान करके अभी आ रहे हैं? हाँ। जी जी, क्या बोलना है? उत्साह देखने को मिल रहा है, मतदान करके आ रहे हैं। देखिए तो इस तरीके से बुजुर्ग भी हैं जो कई बार मतदान कर चुके हैं, और यही उत्साह का जिसकी हम बात कर रहे थे कि युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करने लगातार पहुंच रहे हैं। और न्यूज़18 लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप भी अगर उस क्षेत्र में है जहां पर मतदान है तो आप भी जरूर अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचिए। और न्यूज़18 के इस महा कवरेज को लगातार चूंकि आप देख ही रहे हैं तो न्यूज़18 से जुड़ाव का एक और मौका हम आपको दे रहे हैं।
अपना वोट आप कास्ट करिए, उसके बाद एक सेल्फी लीजिए और व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे नीचे चल रहा है उस पर आप अपनी सेल्फी भेज सकते हैं। लगातार अपडेट चुकी हम आपको दे रहे हैं, इसे लेकर कवर्धा भी आपको लिए चलेंगे। आकाश में लौटूंगी आपके पास। कवर्धा में हमारे सहयोगी मनीष है। कवर्धा में ये बताया गया कि मतदान को लेकर तो लगातार उत्साह है ही, मनीष कब तक मतदान को लेकर जानकारी सामने आ पाएगी? क्या 8 बजे से यहाँ पर मतदान होना है, समय जरा बताइएगा। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से मैदानी क्षेत्र में जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं है उस क्षेत्र में भी कवर्धा और पंडरे विधानसभा क्षेत्र को रखा गया है, उसमें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी। और इसमें कवर्धा जिले की अगर हम बात करें तो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, कवर्धा विधानसभा क्षेत्र और पंडरे विधानसभा क्षेत्र, दोनों का जो समय है 8 से 5 है, इस बीच मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी। अभी मतदान शुरू होने में 45 मिनट का करीब समय बचा हुआ, उसके बाद जो है मतदान शुरू हो गया। मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है, आप बने रहेगा हमारे साथ, हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, ये महा कवरेज भी लगातार चल रही है। एक महज छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटते हैं।